है। गुड मॉर्निंग बेटा। एसपीएस क्लासेस में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में आज आपको बताया जाएगा, तो ध्यान से आपने कोशिश करने की आप एलिमिनेशन मेथड के बारे में समझेंगे। तीन मेथड इसलिए बताए गए बेटा, तीनों मेथड में से आपको जो भी इजी लगेगा आप उसका सॉल्यूशन पेपर में कर सकते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में ये नहीं होता कि आप एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से करेंगे, या फिर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं कि हमारी जो लीनियर इक्वेशन है बेटा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्या इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, और सॉल्यूशन यस या नो के लिए हमने क्या किया था बेटा। हमने लास्ट हमारे टॉपिक में आपको बताया था कि कब किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, जब हमें इस बात का पता चलता है कि उसका सॉल्यूशन है, संभव है। उसके लिए तो हमारी सिचुएशन थी, फर्स्ट का फार्मूला मैंने बताया था यूनिक सॉल्यूशन में और एक मैनी सॉल्यूशन में, ठीक है बेटा, वो आप लास्ट हमारे लेक्चर में देख सकते हैं बेटा। उसके बाद आज हम सॉल्यूशन के बाद हम तीन मेथड से उसका सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट मेथड आपको समझा दिया गया है लास्ट टॉपिक में, आज हमारा सेकंड मेथड होगा जिसका नाम एलिमिनेशन मेथड। ये मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड है बेटा, ठीक है। मैथ के अकॉर्डिंग टू ये मेथड हार्ड माना गया, लेकिन बच्चों के अकॉर्डिंग टू बिल्कुल इजी मेथड है बेटा, बिल्कुल ही इजी मेथड, जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। और इसका दूसरा नाम है बेटा कोफिशियंट को इक्वल करके हम क्या करेंगे, इक्वल कोफिशियंट। बेटा कोई भी मैं स्टेटमेंट इक्वेशन लिखता हूं हमारी लीनियर इक्वेशन में राइट करता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल 2x + 3y = 5, वेरी फर्स्ट हमारी इक्वेशन ये गिवन है बेटा। सेकंड जो हमारी इक्वेशन है 3x + 5y = 7। ओके बेटा, कभी भी किसी भी समीकरण यानी कि पेयर, पेयर का मतलब होता है बेटा सिंगल इक्वेशन नहीं होती। सिंगल हमारी लीनियर इक्वेशन हमने 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास तक हमने पढ़ी है, 9th के बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हैं, तो उसमें बेटा एक्स और वाई की वैल्यू निकलती है, क्योंकि मैंने बताया था आपको जो हमारे लीनियर इक्वेशन है वो हमारे टू पॉइंट से मिलकर बनती है, और उनमें से हम एक की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। वो आपको स्टार्टिंग में आपको अच्छी तरह से बताया था, ठीक है बेटा। तो हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहाँ एक्स और वाई, एक्स और वाई के हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसमें बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, इक्वल कोफिशियंट इसलिए बोला क्योंकि बेटा हमारे दो कोफिशियंट होते हैं, एक एक्स का एक वाई का, ठीक है। जो मल्टीप्लाई ऑफ एक्स होता है यानी कि कोफिशियंट ऑफ एक्स, कोफिशियंट ऑफ एक्स इसके अंदर टू है बेटा फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन का क्या थ्री, हम दोनों को राइट करते हैं कि यहाँ पे एक्स के कोफिशियंट क्या, टू और थ्री, और कोफिशियंट ऑफ वाई, ऑफ वाई हमारे पास बेटा फाइव और थ्री, बिल्कुल फर्स्ट इक्वेशन में थ्री है और सेकेंड में फाइव है बेटा। इन्हीं को हम इक्वल करते हैं, इन्हीं में से किसी एक को इक्वल करके और हम वैल्यू निकालते हैं, उसी को हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। बिल्कुल ध्यान से हम क्या चेक करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे जो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है उसमें एक्स का कोफिशियंट मीन्स एक्स का गुणांक बेटा, वो जो एक्स के साथ में मल्टीप्लाई है तो हम उसको चेक करेंगे वो टू है, और सेकेंड इक्वेशन में भी हम चेक करेंगे कोफिशियंट ऑफ एक्स यानी कि एक्स के साथ में क्या मल्टीप्लाई, थ्री है। इसी प्रकार वाई के कोफिशियंट को चेक किया, क्यों किया, क्योंकि हमें पढ़ना इन्हीं के बारे में है, इन्हीं को इक्वल करके हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। बिल्कुल कैसे यूज करेंगे, किस तरह करेंगे, बिल्कुल बेटा ध्यान से आप देखेंगे सब में। हम लिखेंगे यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है बेटा, हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे एंड इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बिल्कुल हम हमारे एलिमिनेशन मेथड का यूज करके फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन का सॉल्यूशन करेंगे। कैसे करेंगे, बिल्कुल ध्यान से उसको करने का एक ही तरीका, बिल्कुल पहले मैं आपको समझाऊंगा। हमें पता है कि कोफिशियंट ऑफ एक्स और कोफिशियंट ऑफ वाई हमारे पास है, हम किसी एक पॉइंट में यूज करेंगे बेटा एक्स के कोफिशियंट को लेकर या फिर वाई के कोफिशियंट को लेकर,
किसी एक पॉइंट्स में हम अपने मेथड को यूज करेंगे, ठीक है बेटा। हमारे पास एक्स और वाई की दो वैल्यू है, किसी एक पॉइंट्स को लेकर हम क्या करेंगे, या तो एक्स की वैल्यू को लेकर आप या फिर वाई के कोफिशियंट को इक्वल करो और उसमें हमारा फार्मूला यूज हो जाएगा। इक्वल करने का बिल्कुल आसान फार्मूला बेटा, एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। बिल्कुल ध्यान से, जो हमारा एक्स का कोफिशियंट इक्वेशन फर्स्ट है, फर्स्ट में एक्स के कोफिशियंट को इक्वेशन सेकंड से मल्टीप्लाई करो और सेकंड को फर्स्ट से। बिल्कुल ध्यान से, यहां क्या करेंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे थ्री से, लिख देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई बाय थ्री, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीपल बाय थ्री एंड इक्वेशन सेकंड को बेटा मल्टीपल बाय टू। बिल्कुल ध्यान से, यहां इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, थ्री से, और सेकंड को टू से, क्योंकि यही तो मेथड है एलिमिनेशन का बेटा। इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई पूरी फर्स्ट इक्वेशन से, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरी की पूरी सेकंड इक्वेशन से। बिल्कुल ध्यान से, किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई, किसी एक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बहुत सारी पूरी की पूरी इक्वेशन से, ठीक है बेटा। समीकरण एक को हम तीन से, मतलब इसका मीन समझने की कोशिश करो, जो पहली समीकरण का एक्स का कोफिशियंट है उसको सेकंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, और सेकंड जो हमारी समीकरण है, जो हमारी इक्वेशन है, उसको हम फर्स्ट इक्वेशन के एक्स के कोफिशियंट से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम यहां फार्मूला यूज करें बेटा एक्स के गुणांकों को बराबर करके, ठीक है। इक्वल कोफिशियंट ऑफ एक्स, ये फार्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पर। वाई के भी हम कोफिशियंट को इक्वल कर सकते हैं, लेकिन हम किसी एक को लेकर चलेंगे, ठीक है। एक वेरिएबल पॉइंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकंड वेरिएबल को हम कैंसल आउट करेंगे, यही हमारा एलिमिनेशन मेथड होता है, ठीक है बेटा। हम एक वेरिएबल पॉइंट्स को कैंसल आउट करेंगे, कैंसल आउट कौन सा वेरिएबल पॉइंट्स होगा बेटा, जिसके कोफिशियंट इक्वल हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया थ्री से। इसका रीजन क्या है बेटा, हमें इक्वेशन शो कर रही है कि जो हमारी सेकंड इक्वेशन में एक्स का कोफिशियंट है, ठीक है, जो वेरिएबल हमारा एक्स है उसका कोफिशियंट थ्री है, तो उसको फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई करो, और सेकंड का है फर्स्ट से, फर्स्ट को सेकंड से। बिल्कुल, अब हम यूज करेंगे, बिल्कुल ध्यान से, पूरी की पूरी इक्वेशन को थ्री से मल्टीप्लाई, ये हमारा हो जाएगा सिक्स एक्स प्लस नाइन वाई इज इक्वल टू 15। बेटा पूरी इक्वेशन को बोथ साइड, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड बेटा, अब सेकंड इक्वेशन को 2 से 6x प्लस 10y, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, एक सम में आपको सभी के सभी सम आ जाएंगे। बिल्कुल ध्यान से इक्वेशन सेकंड। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट है, फर्स्ट स्टेप था बेटा ये कि हम हमारे वेरिएबल पॉइंट्स, कौन से वेरिएबल पॉइंट्स हमने लिए हैं जिसके कोफिशिएंट को इक्वल किया, वो x के वेरिएबल पॉइंट्स को कैंसिल आउट करेंगे और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं यहां से। बिल्कुल ध्यान से, अब हमारा नेक्स्ट जो सेकंड स्टेप है, जब हमारे एक्स के कोफिशिएंट बेटा ये इक्वल हो जाते हैं, और इक्वल होने के बाद यदि बोथ हमारे कोफिशिएंट है, गुणांक है, पॉजिटिव है, दोनों के दोनों क्या आ जाते हैं, प्लस में। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, दोनों के दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव है, ऐसी अवस्था में, ऐसे पॉइंट्स में क्या करेंगे हम, दोनों के दोनों साइन सेम है, बिल्कुल पॉजिटिव साइन है, या दोनों के नेगेटिव साइन है, किसके, इक्वल कोफिशिएंट के। ये बात याद रखनी है, जब दो इक्वल कोफिशिएंट हमारे पास है, दोनों के साइन हमारे सेम है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हम बेटा लिखेंगे क्या, सब्ट्रैक्ट, इसको बोलते हैं घटाने पर, और सब्ट्रैक्ट लिखते ही बिल्कुल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इक्वेशन में, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप हमारा बेटा सेकंड, जब हमारे दोनों गुणांक बराबर हो जाते हैं, यानी कि सेम साइन, साइन सेम हो बेटा, वैसे बराबर नहीं, साइन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इन साइन इन मैथमेटिक्स, ये ध्यान रखना, दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों के दोनों बेटा नेगेटिव हैं, तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, यानी कि घटाने पर, और सब्ट्रैक्ट की क्या पावर है आपको बताते हैं, सब्ट्रैक्ट लिखते बेटा सेकंड इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड, ये ध्यान रखना,
जब हम सब्ट्रैक्ट लिखते हैं तो सब्ट्रैक्ट लिखते ही हमारे जो इक्वेशन सेकंड है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। साइन चेंजिंग का मतलब बेटा नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है और पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है। जैसे हम डिवाइड करते समय हम सब्ट्रैक्ट लिखते हैं तो हमारी सेकंड इक्वेशन है, सेकंड स्टेटमेंट के साइन चेंज हो जाते हैं। बिल्कुल, अब इसको कैंसल आउट करना था बेटा क्योंकि इसी के कोफिशिएंट हमने इक्वल किए थे, तो अदर हमारा वेरिएबल पॉइंट्स की वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब देखो ये नेगेटिव है बेटा, माइनस का 10 हमारे पास, पॉजिटिव 9 है तो माइनस का ही साइन ग्रेटर है तो माइनस की वैल्यू बचेगी बेटा। 1y हम नहीं राइट करते, बिल्कुल ध्यान रखना। अब माइनस का हमारे पास 14 है, पॉजिटिव 15 है बेटा, वैल्यू पॉजिटिव ज्यादा है तो पॉजिटिव ही बचेगी। और y की वैल्यू यहां पर आ गई बेटा, नेगेटिव y की नहीं फाइंड आउट करनी तो हम नेगेटिव को उधर लेके जाएंगे। बेटा लेके जाने का मतलब ये है कि साइन चेंज नहीं होंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम माइनस को उधर लेके जाएंगे तो माइनस वन इधर आ जाएगा बेटा, ये माइनस का साइन, क्यों, वन के डिवाइड में चला गया माइनस। यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि साइन चेंज कभी नहीं होता, केवल साइन चेंज उसका होता जो हमारे नॉन वेरिएबल पॉइंट है बेटा, बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है, तो वाई की वैल्यू फाइंड आउट हुई। दोबारा से बिल्कुल स्पीडली मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा ध्यान देंगे हम। पहले हमारे पास इक्वेशन गिवन होगी, इक्वेशन के हम कोफिशिएंट को चेक करेंगे क्या इक्वल है, नहीं है तो हम इक्वल करेंगे किसी एक वेरिएबल पॉइंट के, या वाई के या फिर एक्स के। हमने एक्स वेरिएबल पॉइंट्स को लेकर चले हम, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया बेटा 2 से, और फर्स्ट को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से सॉरी, और सेकंड को मल्टीप्लाई किया 2 से। क्योंकि कैसे, किसने बताया, हमें बताया हमारी इक्वेशन ने, हमारे पास और कोई भी मतलब फॉर्मूला नहीं है इसका कि अपने पास से किसी को किसी से मल्टीप्लाई करें, नहीं, हम केवल हमारी स्टेटमेंट को देखकर ही पता लगा सकते हैं, इक्वेशन को देखकर पता लगा सकते हैं कि हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद नेक्स्ट टाइप हमारा कि जो कोफिशिएंट थे जिसके लिए हमने फाइट की थी वो हमारे सामने है, पर प्रॉब्लम यहाँ भी है बेटा, जब दोनों के दोनों सेम साइन के हैं तो हम क्या करेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट करने पर लिखेंगे, लेकिन बेटा दोनों के साइन अपोजिट हैं तो हम लिखेंगे एडिशन, मतलब ऐड करने पर उसको ऐड करेंगे। ठीक है बेटा, वहां सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्यों बेटा, क्योंकि यदि हमारे पास माइनस का 6 और प्लस का 6 है तो अपने आप ही नहीं कैंसिल हो जाएगा, तो हमें सब्ट्रैक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है सेकंड थे, वहां से हमारा जिस वेरिएबल पॉइंट्स के कोफिशिएंट इक्वल किए थे वो कैंसिल आउट और सेकंड की वैल्यू हमारे पास होगी। अब हमारे पास सेकंड की वैल्यू हमारे पास हमें गेट हो गई है बेटा। अब इसकी का मान है जो फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड में किसी में भी पुट करके हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, बिल्कुल बेटा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, और सेकंड मर्जी आपकी, किसी भी एक इक्वेशन में हम इसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं और हमारे पास किसकी वैल्यू होगी फिर x की। बिल्कुल मैं इसको रख कर, हम बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बेटा, आप जैसे भी सेकंड सम समझेंगे तो स्पीडली आपको समझ में आ जाएगा। अब हम वैल्यू को पुट करने वाले, बिल्कुल ध्यान से, हमारे पास y की वैल्यू माइनस वन है बेटा, हम वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है 2x प्लस 3y, बिल्कुल ध्यान से, सेकंड इक्वेशन को मैं कैंसिल कर रहा हूं बेटा, यहां पर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, और y की हमारे पास वैल्यू है बेटा कितनी, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, माइनस वन। यहां से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, बिल्कुल ध्यान से देखें, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5। अब नॉन वेरिएबल पॉइंट इधर जा रहा है माइनस के साइन को लेकर, तो उधर जाके किस चीज का हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 8 और x की वैल्यू हमारे पास आ गई बेटा 4। ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, हम जिस वैल्यू के हमें जरूरत थी, जिसके लिए हमने इतना टाइम लगाया है, वो वैल्यू हमारे पास है। क्या जब हमने वैल्यू फाइंड आउट की, क्या ये राइट है, क्या हमने 5 मिनट 10 मिनट हमारे सम के ऊपर लगाया अच्छी तरह से, हमने टाइम को खराब किया, क्या ये वैल्यू राइट है या रोंग है, हम उसका भी पता लगा सकते बेटा। ठीक है, जितना लेंथी सम होगा उसका आंसर का पता लगाना उतना ही आसान होता है, क्योंकि आपके पास आपका आंसर है और आपके पास आंसर ज्ञात करने के लिए भी अब हमारे पास हमारी इक्वेशन है। हम क्या करेंगे बेटा, x का स्थान पर x की वैल्यू पुट करेंगे, y के प्लेस पर y की वैल्यू पुट करेंगे, बोथ साइड इक्वल आ जाती है तो हमारा आंसर है जो वो राइट है वरना रॉन्ग है बेटा। देखेंगे
टू एक्स, एक्स की वैल्यू हमारे पास 4 बेटा, मैंने एक्स के प्लेस पर राइट कर दी, प्लस 3y, y की वैल्यू -1 y के प्लेस पर पुट कर दी, इज इक्वल टू 5, तो 8 - 3, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव की मल्टीप्लाई बेटा नेगेटिव होता है, इज इक्वल टू 5, 5 इज इक्वल टू 5, बोथ साइड आर इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू बेटा राइट हैंड साइड, इट्स मींस बेटा जो मेहनत हमने की थी वो मेहनत रंग लेकर आई है, शायद आपका आंसर बिल्कुल 100% राइट है। मैनी सॉल्यूशन हो सकते बेटा, एक से अधिक आंसर हो सकते, ये मत समझना कोई इंटेलिजेंट बच्चा है उसका आंसर तो सर कुछ और है और मेरा कुछ और, नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज है, क्यों, क्योंकि हमने आंसर निकाला तो हमने किसी भी एक इक्वेशन पुट करके देखा तो लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आई, तो 100% हम राइट हैं। ठीक है बेटा, एक और समझ लेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, उस समय हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे बेटा, मेथड वही रहेगा, एलिमिनेशन मेथड, x प्लस y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन फर्स्ट, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट ऑफ ऑल वही स्टेप बेटा, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड का यूज करने जा रहे हैं हम, हमें पता है, ठीक है, उसके लिए हम कोफिशियंट को इक्वल करेंगे, x के कोफिशियंट को लेकर चलेंगे, ठीक है बेटा, क्या लिख सकते हैं हम, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड इन x, वेरिएबल पॉइंट्स ऑफ x, x वाले वेरिएबल पॉइंट्स में हम यूज करेंगे, ठीक है बेटा, तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीपल करेंगे, क्या, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीपल बाय, बिल्कुल ध्यान से देखें, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीपल करेंगे 2 से, एंड इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाय 1, वेरी गुड, हमने चेक किया बेटा हमारी इक्वेशन फर्स्ट का कोफिशियंट 1 है, इसका कोफिशियंट 2 है, हम कोफिशियंटों से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे वेरिएबल पॉइंट इक्वल होंगे, बिल्कुल इजी, हमने पहली इक्वेशन को 1 से और 2 से सॉरी और सेकंड को 1 से, क्योंकि हमारा रूल है कि पहले इक्वेशन में x के गुणांक को सेकंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई करो और सेकंड इक्वेशन में जो x का कोफिशियंट है उसको पूरी फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई करो, बिल्कुल बेटा, इसको 2 से और इसका कोफिशियंट 1 है, जो इसके अंदर क्या हिडन है बेटा, छुपा हुआ है, इसको इससे, ये हमारा रूल होता है बेटा, जो पहली समीकरण का x का गुणांक है उसको दूसरी समीकरण से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरी समीकरण का जो x का गुणांक है कोफिशियंट है उसको फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, करो बेटा 2 को फर्स्ट से पूरी इक्वेशन से, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड को 1 से एज इट इज 2x प्लस 3y, हमारे स्टेटमेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बेटा 1 से किसी को मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो हमारे स्टेटमेंट सेम रहती है, यदि 1 को किसी में ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे स्टेटमेंट के ऊपर पूरा का पूरा फर्क पड़ेगा, मतलब उसमें क्या चेंजिंग आ जाएगी बेटा, लेकिन डिवाइड मल्टीप्लाई करने पर 1 क्या करता है, किसी भी स्टेटमेंट किसी समीकरण में चेंजिंग नहीं लेकर आ सकता, चाहे वो 0 भी क्यों न हो, बिल्कुल ध्यान से, अब हमारे इक्वल कोफिशिएंट, बिल्कुल यही इसी के लिए हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई की थी बेटा, किसको देखकर, हमारी इक्वेशनों को चेक करके, अब इक्वल कोफिशिएंट है बोथ दोनों के, क्या है बेटा, साइन सेम है तो हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट घटाने पर, और सब्ट्रैक्ट लिखते ही इक्वेशन सेकंड, बिल्कुल ये बात मत भूलना, जब हम सब्ट्रैक्ट कहीं राइट करते हैं कहीं भी, यहां नहीं बेटा कहीं भी, जब हम सेकंड इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट लिख देते हैं किसी भी प्लेस पर, तो ये समझ लेना कि सब्ट्रैक्ट लिखते ही हमारी सेकंड जो स्टेटमेंट है उसके साइन चेंज हो जाते हैं, बिल्कुल साइन चेंज होंगे बेटा, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, माइनस का 3 माइनस का 2 तो -1, बिल्कुल -11 प्लस 8 -3, बिल्कुल बेटा माइनस से माइनस कैंसिल आउट, बिल्कुल बोथ साइड माइनस थी बेटा, और बोथ साइड माइनस आती है लेफ्ट एंड राइट एंड साइड, तो माइनस आपस में टकराएगी, डिवाइड होगी तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, बिल्कुल मैं बेसिक क्लास में आपको बता चुका हूँ साइन के बारे में, तो y इज इक्वल टू 3 बेटा, अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, जो हमें आसान इक्वेशन दिखाई दे उसके अंदर हम अपनी वैल्यू पुट करेंगे, यहां पर हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं,
कि लास्ट मेथड की तरह हम क्या करेंगे कि फर्स्ट में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं, मान सेकंड में पुट करेंगे। नहीं बेटा, यहां पर हमारी मर्जी है, हम वैल्यू को अपने अकॉर्डिंग टू पुट करेंगे किसी भी केस में, जो आसान होगी। बिल्कुल, हम पुट करके दिखाएंगे यहां पर x plus y is equal to 4 इक्वेशन फर्स्ट। बेटा हमारे पास y की वैल्यू 3 है, x plus 3 is equal to 4 क्योंकि हमने y के प्लेस पर वैल्यू पुट की। x is equal to positive 3 है बेटा, इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, negative 3 हो जाएगा। बिल्कुल, x is equal to 1, बोथ वैल्यू हमारे पास है बेटा x और y की। बिल्कुल यही आपने फाइंड आउट करना था, बिल्कुल आसान। अब हम चेक करेंगे हमारा सम राइट है या रॉन्ग है, ठीक है बेटा। उसके लिए हम किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे, x के प्लेस पर x की वैल्यू बेटा 1, y के प्लेस पर y की वैल्यू 3, तो किसके इक्वल आ गया 4, 4 इज इक्वल टू 4, तो क्या हुआ हमारा आंसर राइट है। बिल्कुल, तो ये हमारा सेकंड मेथड था बेटा, एलिमिनेशन मेथड। एक सम और मैं आपको समझाऊंगा एलिमिनेशन मेथड का, वो स्टेटमेंट है बेटा सिंपल की बजाय, डेसिमल में भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, ठीक है बेटा, और वो रूट में भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है हमारे पेपर वाले पर किस रूप में देगा। लेकिन फार्मूला एक ही रूप होगा फार्मूले का, और वो रूप होगा एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई, उनमें से आप जो भी आपको इजी लगे, ठीक है। फार्मूला एक होता है लेकिन हमारे स्टेटमेंट के रूप अनेक होते हैं बेटा, इक्वेशन अलग अलग रूप में, क्योंकि बेटा सो टेस्ट क्लास में पढ़ाया जाता है, आपको पता है छठी क्लास में, फिफ्थ क्लास में, भाई आज हमारा डेसिमल का चैप्टर चलेगा, आज हमारा फ्रैक्शन का चलेगा, ठीक है बेटा, आज हमारा स्केयर एंड स्केयर रूट चलेगा। तो बच्चों को यही बताया जाता है कि डेसिमल के रूप में भी, फ्रैक्शन के रूप में भी हमारी स्टेटमेंट आगे आपको आएंगी, केवल आपको नॉलेज हो। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, x डिवाइडेड बाई 3 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 5। x और y के डिवाइड में 2 है बेटा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हमारे जो इक्वेशन है हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है बेटा, क्योंकि नेक्स्ट इक्वेशन भी हमारे पास इसी तरह मिलेगी, सेकंड इक्वेशन भी, तो हम वहां पर जब कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे हमारे सामने प्रॉब्लम आएगी, और उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन को हम किस रूप में लेके आएंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन, बिल्कुल आसान इजी सिंपल हमारी स्टेटमेंट में इक्वेशन में लेके आएंगे फ्रैक्शन को, इक्वेशन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल रूप में लेके आने के लिए उसका एलसीएम लेंगे बेटा। एलसीएम लेना आपको अच्छी तरह आता है, हम क्या करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 3 की 6, जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, हमारे एलसीएम को डिवाइड करेंगे इससे, बिल्कुल ध्यान से, 3 2 6 और नोमिनेटर से मल्टीप्लाई बेटा, ये हो जाएगा 2x प्लस 2 3 6 बेटा, नोमिनेटर से मल्टीप्लाई 3y। हमारी बेसिक क्लास में आप चेक कर सकते हैं कैसे हमने एडिशन लेना आपको सिखाया था, बिल्कुल फर्स्ट हमारी 3 या 4 बेसिक क्लास लगी थी जिसमें हमें फ्रैक्शन के बारे में, फ्रैक्शन को सोल्व करना, एलसीएम एचसीएफ को लेना, बिल्कुल इजी पॉइंट्स, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे आप, दोनों की मल्टीप्लाई, आपको एक और फार्मूला बताता हूं, इजी फार्मूला, दोनों की मल्टीप्लाई में जब आप एलसीएम लेंगे बेटा, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इसके साथ, ठीक है, यानी कि y के डिवाइड में जो भी हमारा कोफिशिएंट डिवाइड में है, ठीक है बेटा, उसको हम क्या करेंगे, जो भी हमारा नॉन वेरिएबल है x को गुणा करो, और x के नॉन वेरिएबल पॉइंट्स को y से गुणा करो, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, ये समझने का तरीका बेटा। 2x plus 3y is equal to 5, LCM हमारा कब कैंसिल आउट होगा, जब हम इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं इसको, आप राइट भी कर सकते हैं इसको कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई है, 6 को इधर लेके जाएंगे, बिल्कुल नॉर्मल तरीका बेटा, डिवाइड में तो इधर जाने के बाद किस चीज में जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 30, बिल्कुल इजी पॉइंट्स। दोबारा चेक करेंगे, हमने क्या किया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद 2x plus 3y divided by 6 is equal to minus 5, कोई भी हमारी स्टेटमेंट के नीचे कोई भी डिवाइड में चीज है तो राइट हैंड साइड जाएगी, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी, हमने 6 क्लास में पढ़ा था अच्छी तरह से, ठीक है बेटा, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, हमारी इक्वेशन आ गई हमारे पास 2x plus 3y is equal to 30, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इस तरह हम इसका सॉल्यूशन करेंगे फर्स्ट इक्वेशन। अब हमारी सेकंड इक्वेशन है कुछ भी, x minus 5y is equal to 40, इक्वेशन सेकंड। अब हम देखें दोनों के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे, आसानी से इसको फाइंड आउट करेंगे इसकी वैल्यू x और y की, बिल्कुल
अब डेसिमल का रूप बता जाएगा बेटा आगे सॉल्यूशन आपने करना है, ठीक है। अब डेसिमल के रूप में कोई भी क्वेश्चन है तो उसका सॉल्यूशन बिल्कुल ध्यान से। ये फ्रैक्शन था हमारा अब डेसिमल, 0.2x + 0.3y = 1.4 आपके मैथमेटिक्स का सम बेटा, 0.3x + 0.4y = 2.7 ओके बेटा बिल्कुल ध्यान से। हमारी क्वेश्चन किस रूप में, डेसिमल में, कोई बात नहीं डेसिमल को आप कैंसिल आउट करो और इक्वेशन को सिंपल रूप में सिंपल इक्वेशन में लेके आओ और फिर सॉल्यूशन कर दो, कोई ज्यादा बात नहीं। उसको डेसिमल के रूप में कैसे लेके आएंगे, ज्यादा कुछ ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है बेटा। हम डेसिमल को कैंसिल आउट करेंगे, पहले इक्वेशन को टेक करेंगे, पहले यहाँ डेसिमल 2/10x + 3/y (10y) = 14/10। अब बात ये है कि हम 10 कहां से लेते हैं, बिल्कुल ध्यान से बेटा, 0.2 को हमने डेसिमल से प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया, डेसिमल के स्थान पर हमने 1 पुट कर दिया, उसके बाद एक ही हमारा जो नंबर था 1 था उसके प्लेस पर हम 0 ले लेते हैं। मैंने डेसिमल के टॉपिक में बताया है कि ये 0 के प्लेस पर ऑल नंबर आते हैं और क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में ये अपना स्थान 0 के को दे देते हैं भाई, 0 इनके स्थान पर आ जाते हैं इनके प्लेस पर, और जब हम इनको डेसिमल में चेंज करते हैं तो 0 क्या बोलती है, यदि आपका प्लेस खाली है तो मैं उसके स्थान पर चली जाऊंगी, वरना एज इट इज नंबर 0 के प्लेस पर आ जाएगा बिल्कुल, और 1 के प्लेस पर हमारा आता है डेसिमल। तो आपने क्या किया, डेसिमल को कैंसिल आउट किया। अब हम वही बात बेटा, हम एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम 10, ये हो जाएगा 2x + 3y = 14/10 बेटा। अब यहाँ आप एक नई बात सीखेंगे, जब हमारी दो फ्रैक्शन है बिल्कुल बिल्कुल, मैं इधर लिख रहा बेटा 2/10 = 3/10 बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन का एलसीएम सेम है, चाहे वो यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन में नोमिनेटर सेम है और बीच में इक्वल का निशान या डिनोमिनेटर सेम है, तो दोनों के दोनों बेटा कैंसिल हो सकते हैं। अब यहाँ दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, निशान की चीज का बेटा इक्वल का, तो दोनों डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे, कैंसिल। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, केवल एक ही चीज आपने देखनी है कि वो दोनों सेम है या नहीं, बिल्कुल इक्वल है बेटा, दिखाई दे रहे दोनों का एलसीएम क्या है, 10 है, दोनों इक्वल हमें दिखाई दे रहे हैं, तो दोनों सेम होने के कारण दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे बेटा, बिल्कुल ध्यान देना। दोनों कैंसिल आउट हुए तो हमारी इक्वेशन हो गई 2x + 3y = 14, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट। इसी तरह हम सेकंड इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी 3x + 4y = 27, इक्वेशन नंबर सेकंड, और आपके पास आपका सम होगा सिंपल इक्वेशन में जैसे हमने लास्ट सम को सोल्व किया था बिल्कुल। हमारा एग्जांपल एक और होगा बेटा, लास्ट टॉपिक होगा ये, लास्ट पॉइंट होगा जिसको हम रूट के रूप में निकालें, बिल्कुल जल्दी से कवर करेंगे बेटा इसको बिल्कुल जल्दी से, क्योंकि दो सम मैंने समझाए इसलिए थे कम्प्लीटली ताकि आपने इसी तरह से उनका सॉल्यूशन करना, लेकिन रूट में कई बार हमारे स्टेटमेंट आ सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखें 2√x + √3y = 6 कुछ भी एनी पॉइंट, √3x + √2y हमारे स्टेटमेंट हमारे मैथमेटिक्स की लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, ऐसी स्टेटमेंट हमारी शायद हमारे मैथमेटिक्स में आप चेक कर लेना बेटा, ठीक है। अब रूट को कैंसिल आउट नहीं करेंगे बिल्कुल बिल्कुल नहीं करेंगे, रूट को कैंसिल आउट नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि रूट के अंदर जो हमारी नंबर्स हैं वो कंप्लीट स्क्वायर के रूप में नहीं है तो हम क्यों करेंगे, ठीक है। तो हम वही हमारा फार्मूला यूज करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को हम मल्टीप्लाई करेंगे रूट थ्री से एंड इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा किससे, रूट टू से। रूट वाले नंबर का एक रूल होता है बेटा, रूट वाला जो भी नंबर है वो रूट से ही मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे और इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं होंगे, रूट का रूल होता बेटा रूट वाला रूट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और विदाउट रूट वाला तो आपको पता ही है। अब फर्स्ट इक्वेशन को रूट 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा √6 + √9y = 0 इक्वेशन फर्स्ट, इसको 2 से बेटा √2 से √6x + √2
बिल्कुल इजी पॉइंट। यहाँ केवल एक ही पॉइंट था जिसके ऊपर आपने विशेष ध्यान देना है कि रूट वाला नंबर जब हम इक्वल करेंगे रूट वाले कोफिशियंट को रूट से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो रूट को कैंसिल आउट नहीं करना, आपने अपने फार्मूले का यूज करना। लेकिन वहां एक बात याद रखने बेटा, आप भूल के भी ये मत लिख देना कि इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई और इक्वेशन सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई। नो बेटा, रूट है तो रूट के अंदर ही उसको मल्टीप्लाई करेंगे। बिल्कुल। तो आज हमारा जो मेथड था एलिमिनेशन मेथड के बारे में आपको मैंने बताया है, ठीक है बेटा। तो वो एलिमिनेशन मेथड बिल्कुल आसान मेथड है, ठीक है। लेकिन जब हम इसको करते हर एक स्टेप को ध्यान से रखेंगे, एक दो सम की आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। यदि आप दो या तीन सम की प्रैक्टिस करते हैं, हमारी जो एक्सरसाइज है शायद बेटा 3.4 एक्सरसाइज में आपको ये सम मिलेंगे। और मैंने तीनों चारों टाइप आपको बता दिया, किसी भी रूप में इक्वेशन हो तो हम उससे फाइट करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। और हम आसानी से सम कर सकते हैं। लास्ट हमारा जो मेथड है क्रॉस मल्टीप्लाई, वो नेक्स्ट हमारे लेक्चर में आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है बेटा। ओके बेटा, बाय।